तैसर रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ने तैसर टाउन के जंगल में मंगल कर दिया। ट्रिया की कोशिशों से रंगारंग तैसर सुपर लीग ऑल कराची कलर के टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट भरपूर जोशो खरोश से शुरू हो गया। कंज्यूमर न्यूज़ टूर्नामेंट का वेब टीवी पार्टनर है। कंज्यूमर न्यूज़ के फेसबुक पेज से टूर्नामेंट के मैचेस बराह रास्त दिखाए जाते रहे। खिलाड़ियों के अलावा रियल एस्टेट के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद, आम लोगों और फैमिलीज़ ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। टूर्नामेंट तैसर टाउन के सेक्टर 76 में वाकई ग्राउंड में खेला गया, जहां ट्रिया की कोशिशों से ग्राउंड की सफाई और नई पिच तैयार की गई थी। खिलाड़ियों के साथ साथ उनके अहले खाना और दीगर फैमिलीज़ ने इवेंट को खूब इंजॉय किया और अपनी टीमों का हौसला बढ़ाया। बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मौसम बहुत अच्छा है आज, तो उसको भी इंजॉय कर रहे हैं हम और मैच को भी इंजॉय कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। और ये है कि बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी टीम जीत जाए ताकि हमें अच्छा लगे। मेरे हस्बैंड जो हैं वो खेल रहे हैं, वो कैप्टन हैं और उन्हीं की वजह से हमारे यहाँ आना हुआ। बहुत अच्छा सा तैयार होकर आए थे सुबह से कि हम हमारे फादर जीतेंगे और हमारी टीम जीतेगी और हम बॉलिंग लेंगे ताकि हम चेस कर सकें, लेकिन हम टॉस हार के फिर हमने बैटिंग ली है। इवेंट बहुत अच्छा, फैसल भाई की बहुत अच्छी काबिश है इस पूरे इवेंट के अंदर। दिन रात मेहनत से उन्होंने तैसर को डेवलप करा है, तैसर के इमेज बना रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं लोग आए हुए काफ़ी सारे जो तैसर के बारे में अच्छी राय रख रहे हैं। इस तरह हमारी तैसर की मार्केटिंग हो रही है, इस तरह हमारे लोग जिस तरह से देखेंगे कि तैसर के अंदर लोग आ रहे हैं देख रहे हैं तो इधर प्लॉट की वैल्यूएशन बढ़ेगी, लाइट्स लग गई हैं और मस्जिद आपने देखिए बनी, ग्राउंड तैयार कर दिया खेल कूद के लिए, तो मैं समझता हूँ तैसर के रेट काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और इसके अंदर हमारा जो तैसर का इदारा है MDA वो भी इसके अंदर अगर थोड़ा और सपोर्ट कर दे यहाँ की डेवलपमेंट में तो इंशाल्लाह यहाँ आबादकारी भी बहुत जल्द हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम ये मैनेज किया गया है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर सारे लोग और ऐसे टूर्नामेंट्स मुनक्किद होते रहने चाहिए। ये बेसिकली हमारे शेख फैसल भाई की काविशों का नतीजा है, उन्होंने जो है माशाल्लाह यहाँ पर जो है वो रौनक लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग धीरे धीरे इतनी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटीज के अंदर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहे, चीज़ें चलती रहीं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम तैसर के लिए और इसकी आबादकारी के लिए जो ये चीज़ें बहुत अच्छी और मुफीद और पॉजिटिव साबित होंगी। मेहमान खुसूसी जाहिद जाफरी ने हिट लगाकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट का आगाज़ फ्रंट लाइन रियल एस्टेट और काजी 76/4 के दरमियान मैच से हुआ। ये मैच काजी 76/4 ने जीत लिया। दूसरे मैच में गुलशन जीवन ने zameen.com, तीसरे मैच में sheikhestate.com ने तैसर किंग, चौथे मैच में कंक्रीट लेपर्ड्स ने मेमन एसोसिएट्स को शिकस्त दे दी, पाँचवें मैच में तैसर टाइगर्स ने 3GG गुलशन एंड जौहर, छठे मैच में बिलाल टाइगर्स ने अब्दुल्ला मार्केटिंग नेटवर्क AMN लॉयंस, सातवें मैच में तैयब स्टेट एंड बिल्डर्स ने मदारा स्कीम 1, जबकि टूर्नामेंट के पहले दिन के आखिरी आठवें मैच में अल मखदूम एसोसिएट ने डिफेंस फॉर यू को पछाड़ दिया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, क्राउड भी है, प्लेयर्स भी हैं। तकरीबन आज के दिन ही तकरीबन 192 प्लेयर जो है इस ग्राउंड में प्ले करेगा इंशाल्लाह शाम तक 8 मैचों में हमारे, उसके बाद कल जो मैचेस होंगे फिर वो 7 मैच हमारे कल होंगे इंशाल्लाह, और कल ही हमारी जो है वो एंडिंग सेरेमनी भी है जो कि असर में रखी है इंशाल्लाह। अल्लाह की जात से बहुत उम्मीद है और सोच अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे लिए कर दिया, हम बहुत बेहद मशहूर हैं अल्लाह पाक के और हमारे तमाम दोस्तों के लोगों के जो तशरीफ लाए, पूरे कराची से इस वक्त प्लेयर्स मौजूद हैं जो जिंदगी में शायद पहली दफा तैसर टाउन आए होंगे, आज टूर्नामेंट की बदौलत तैसर टाउन भी विजिट किया उन्होंने। डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स डेफक्लेरिया के साबिक जनरल सेक्रेटरी रजा हाशमी, चेयरपर्सन ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन और मदारा के सदर काशिफ शाह और दीगर शख्सियात भी मैचेस देखने पहुंची। काविश अच्छी है जो एसोसिएशन है फैसल साहब की, TREAA अच्छा काम कर रही है, अच्छा टूर्नामेंट है, माशाल्लाह यंगस्टर यहाँ मौजूद हैं, हेल्दी एक्टिविटी है और होना चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बिज़नेस के बड़े बेहतरीन मौके यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ये KDA से मंजूर शुदा स्कीम है और सॉलिड है, कोई यहाँ डबलिंग नहीं है, बहुत मुनासिब रेट पर यहाँ प्लॉट मौजूद हैं, तो आवाम जो कि पूरी कराची में सबसे सस्ती मेरा ख्याल ज़मीन यहाँ मौजूद है, आएँ और ख़रीदारी करें, अपना काम करें, अपना घर बनाएँ और अपना बिज़नेस करें। जो हमारे रेंटर्स हैं उनको मैं ख़ास तौर से ये बात कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट और आपके काम के लिए आजकल कारोबार नहीं है तो आप यहाँ आएँ और देखें इलाका देखें और यहाँ बिज़नेस करें, बिज़नेस के बेहतरीन मौके यहाँ मौजूद हैं तैसर टाउन में। पहली चीज़ जो मैं इस वक्त यहाँ देख रहा हूँ माशाल्लाह एक मजमा यहाँ पे लगा हुआ है, पूरे शहर से बहुत सारे क्रिकेट के शौकीन और रियल इस्टेट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये सबसे बड़ी कामयाबी है इस वक्त
आप समझिए जंगल में मंगल मनाया जा रहा है। लोगों को यहाँ पे बुलाना, लोगों को इस जगह का विजिट कराने का ये बेहतरीन तरीका है। मैं ये समझता हूँ इस क्रिकेट इवेंट या इस किस्म के जो भी इवेंट्स होंगे उनका फायदा इस तरह की सोसाइटीज को बेतहाशा पहुंचेगा इंशाल्लाह। ये तेसर टाउन को आज से 2 साल पहले जिन नामों से जाना जाता था आज बिल्कुल 360 डिग्री चेंज आ चुका है और ये सारी ट्रिया की है शेख फैसल की कोशिश है। फिलहाल ये इसमें कोई शक नहीं है कि शेख फैसल ने इसके लिए वो कर दिया है जो इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चेयरमैन ट्रिया शेख फैसल ने कमेंट्री के फराइज खुद संभाले और अपने पुरजोश अंदाज में खिलाड़ियों को गरमाए रखा। इस मौके पर वो वक्फे से टूर्नामेंट के पंडाल में मौजूद मेहमानों और फैमिलीज को भी खुश आमदीद कहते रहे। उनका कहना था कि ये इवेंट तैसर टाउन की साख को बेहतर बनाने और लोगों को इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की दिखाने के लिए मुनक्किद किया गया जिसमें वो भरपूर कामयाब रहे। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार की शाम को खेला जाएगा जो कंज्यूमर न्यूज़ के फेसबुक पेज से बराह रास्त नशर किया जाएगा। एसोसिएट रिपोर्टर हिना कंवल के साथ अख्तर शाहीन, रिंद, कंज्यूमर न्यूज़, कराची।